प्रिय मित्रों, सीएमपीसी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन। तो लीजिए, आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम की सीरीज़ के अंदर जो पेपर सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, उसके साथ ही बुक वाइज मैं आपको 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आरपीएससी मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़रूरी है, मैं वो लेकर के आया हूँ। और आज का ये पोर्शन जो है पूरा, वो आपके हायर कैलकुलस से है, यानी उच्च समाकलन गणित जो है इंटीग्रेशन उससे है, जिसके अंदर क्षेत्रकलन हुआ, गामा बीटा फंक्शन हुआ, एरिया हुआ, जो भी है इसके अंदर मैं लेकर के आया हूँ। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं आज लेकर के आया हूँ। और ये क्वेश्चन किस बेस पर, कौन सा फॉर्मूला कहाँ से यूज़ हो रहा है, बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट मेथड के अंदर कैसे होता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो लीजिए, आज आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर लें, और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, सीएमपीसी नाम से ही है, आपको पता ही है। और ये जो आपका यूट्यूब चैनल आपका अपना है सीएमपीसी, आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने साथियों को भी बताएं, क्योंकि आपको पता है कि जो चीज़ें, जो कंटेंट मैं लेकर के आ रहा हूँ, ये कंटेंट वास्तव में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्यों है? क्योंकि मैं इसके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मेहनत केवल और केवल मैं आपके लिए कर रहा हूँ। बस मेरा एक ही लक्ष्य है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। मेरी कोशिश ये है कि जो लोग मेरे इस चैनल से, मेरे अपने इस चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और जो लगातार मेरे इस चैनल के कंटेंट को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो कमेंट कर रहे हैं, और मुझे लगातार मोटिवेट कर रहे हैं इस काम के लिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में श्योर और श्योर होगा। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग डट के मेहनत कर रहे हैं, आपके जो कमेंट आ रहे हैं उससे मुझे लगता है कि आप वास्तव में इन कंटेंट्स को पूरा देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और एग्ज़ाम के हिसाब से इसको पूरी तरह से सीरियसली लेकर के काम कर रहे हैं। तो लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, 0 to ∞ इंटीग्रेशन x^(e−5x)dx का सॉल्यूशन क्या होगा? आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, 24/5^4, 24/5^3 और ओनली 24 और 24/5। अब इसके अंदर ऑप्शन इस आपका पहला वाला करेक्ट है, 24/5^4। ये कैसे हुआ? आपने गामा फंक्शन वाला जब मैंने पढ़ाया तो उसके अंदर मानक समाकलन का एक फॉर्मूला आया था, और वो फॉर्मूला आपके था इंटीग्रेशन ऑफ 0 to ∞ e−kx और x^(n−1)dx। ये फॉर्मूला था, मैंने इसको थोड़ा आगे पीछे कर दिया है, ये पहले नहीं बाद में है, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है। इसको आप इससे कंपेयर कर लें, अगर आप इसको सेट करें तो हमारा ये फंक्शन क्या बन जाएगा। अगर इसको u/v से करने बैठे तो बहुत देर लग जाएगी। तो आप इसको क्या करें, इसको x^(5−1) और e−5xdx लिखते हैं, और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन क्या होता है, फॉर्मूला जो मैंने बता रखा है, मैंने बताया नहीं, डायरेक्ट में क्वेश्चन में सेट कर लिया है, इसका सॉल्यूशन जो होता है γ^(a/n)। ये आपके फॉर्मूला है, आपको इसको ध्यान में रखना है, इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन करेंगे। तो आप देखें इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, γ^(5 γ/5)5। बस अब आप इसको सोल्व करें, ठीक है। तो देखिए, γ^5 = 5 4 3 2 1, और नीचे आपके 5^5, 1 5 से 1 5 काट दो आप, तो ये 24/5^4। तो आपको ये वाला फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखना है। ये तो ठीक है कि यहाँ घात 4 और 5 ऐसे आ रहे हैं, मान लो अगर बड़ी संख्या भी आ गई तो आपका u/v से नहीं करने बैठ जाओ, तो इसके अंदर पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज नॉट ट्रू, यानी आपके पास चार ऑप्शन है और ये इसके अंदर कौन सा जो है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा है β(mn=γ(m)γ(n+n)mn>0। दूसरा बी ऑप्शन है β(mn=0 to ∞ x^(m−1)/1 x^(m+n dx)।
सी वाला ऑप्शन है बीटा एम एन इक्वल टू टू जीरो टू पाई बाई टू साइन टू एम माइनस वन थीटा कोस टू एम माइनस वन थीटा डी थीटा। देखिए ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं और इसलिए डी वाला ऑप्शन राइट है, इसके अंदर सभी सही है, उपरोक्त सभी सही है। तो ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है कि बीटा के हमारे पास तीन चार फॉर्मूले बीटा एम एन के, तो हमें इन सब फॉर्मूलों को ठीक से समझ लेना है, देख लेना है, ताकि याद रहे और एग्जाम में मिस्टेक नहीं हो। क्वेश्चन नंबर थ्री है डुप्लीकेशन फॉर्मूला यानी द्विगुणन सूत्र है। आपके पास चार ऑप्शन है, पहले आप इसको ठीक से ऑब्जर्व करें, गामा एम प्लस हाफ, गामा एम, देखिए ये दोनों अलग अलग गामा या एक साथ है, गामा एम इंटू एम प्लस हाफ, गामा एम प्लस हाफ दोनों अलग अलग, और गामा एम प्लस हाफ, यानी ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, दोनों साथ में नहीं, ये तीन है ए सी और डी, इसको आप ठीक से ऑब्जर्व कर लें। तो तीन में जो लेफ्ट साइड है वो तो करेक्ट है, ठीक है। अब राइट साइड देखें, रूट पाई अपॉन टू पावर टू एम माइनस वन गामा टू एम, रूट पाई अपॉन टू पावर टू एम माइनस वन गामा टू एम, ठीक है, रूट पाई अपॉन टू पावर एम माइनस वन गामा टू एम, और रूट पाई अपॉन टू पावर टू एम माइनस वन गामा एम। तो इसके अंदर पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट है, ध्यान रखना, कहीं ना कहीं हल्का सा मैंने चेंज कर दिया है, ध्यान रखना। तो ये पहला वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है, आप ध्यान रखें पहला वाला राइट है, ठीक है। इसलिए आपको इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, ये वाला फॉर्मूला बहुत सारी जगह काम आता है। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है जीरो टू इन्फिनिटिव एक्स फोर साइन टू एक्स डी एक्स का सॉल्यूशन है। हमारे पास चार ऑप्शन है ए बी सी डी, और इसके अंदर ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर भी देखिए ये वॉइस कंडीशन बन रही है, तो हमारे पास यहाँ दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला तो है आपके पास में जीरो टू इन्फिनिटिव और एक्स पावर यहाँ पर ये एन माइनस वन साइन बी एक्स डी एक्स, और दूसरा जीरो टू इन्फिनिटिव एक्स पावर एन माइनस वन कोस बी एक्स डी एक्स। तो इनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ध्यान से अगर देख ले आप, गामा एन अपॉन बी पावर एन, ठीक है, ये कंडीशन ये जो है ध्यान रखना, गामा एन बी या बी है तो बी पावर एन, तो इसके अंदर भी यही होगा, अभी ये पूरा नहीं हुआ, ध्यान रखना, याद रखने के लिए तरीका बता रहा हूँ मैं, इसलिए एक साथ लिया मैंने गामा एन, और यहाँ पर भी बी पावर एन हो जाएगा। अब इसके अंदर यहाँ क्या बाकी है, यहाँ जो बाकी है ओनली साइन में साइन ही है एन पाई बाई टू, ठीक है, और कोस के अंदर ये यहाँ पर है कोस एन पाई बाई टू। ये दो फॉर्मूले आपको ठीक से याद रखने। अब अपन इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई कर लें, तो ये क्या बनेगा, जीरो टू इन्फिनिटिव और एक्स की पावर एन माइनस वन करना, यानी कि ये क्या हो जाएगा फाइव माइनस वन साइन टू एक्स डी एक्स। तो ये क्या बन गया आपके गामा एन, यानी कि गामा फाइव और साइन एन की जगह आपके क्या है एन आपके फाइव हो गया, ये तो ये फाइव पाई बाई टू, ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पर क्या था बी पावर एन, तो बी अपने कितना है टू पावर फाइव, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखें साइन फाइव पाई बाई टू ये तो होता आपके माइनस वन, और इसको आप ऐसे ही सोल्व कर लें फाइव फोर थ्री टू इंटू वन, और नीचे टू पावर फाइव है, तो टू पावर फाइव कितना होता बत्तीस होता आपको पता है। अब इसमें चार दुनिया आठ, ठीक है, तो इस आठ चौक बत्तीस, और फिर इसके अंदर ऊपर क्या थ्री और बच रहा है ना ये, तो ये इसके अंदर कितना रहा है माइनस का पंद्रह बटा चार, यानी कि इसके अंदर ये आपको पंद्रह कर देना है ताकि आपके सही आ जाए, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। तो ये आपको मतलब प्रोसेस देख लें आप, इस प्रोसेस को अगर आपने ध्यान से अगर देखा है तो आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फाइव वाला, जीरो टू पाई बाई टू टेन पावर एम एक्स डी एक्स का हल है।
ठीक है, यहाँ लिमिट 0 से पाई बाई टू और 10 पावर mx कर दिया है, और हमारे पास चार ऑप्शन है। इसके अंदर पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, पाई बाई टू सेक एम पाई बाई टू। अब इसको कर या तो इसको याद रख लें, या फिर अगर इसको करेंगे तो कैसे होगा, आपको पता होगा 0 to π/2 फॉर्मूला होता है साइन एम थीटा कोस एन थीटा डी थीटा इक्वल टू m+1/2 गामा और n+1/2/2 m+n+2/2, ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर अपन अप्लाई करेंगे। अब होगा कैसे, हम इसको क्या करें, इसको ऐसे लिख दें 0 to π/2 और साइन पावर एम एक्स कोस पावर माइनस एम एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर लें तो यहां तो हो जाएगा m+1/2 और यहां क्या हो जाएगा n की जगह -m+1/2 अपॉन नीचे बनेगा ये 2 और ये m-n+2/2। ठीक है, तो देखिए नीचे वाला तो हमारे पास पूरा कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा m+1/2 और ये -m+1/2 बच रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप ध्यान से देख ले, नीचे तो ये 2.2 बच जाएगा तो गामा 1 बचेगा, तो खाली ये टर्म बच रही है। यहाँ हम इसको थोड़ा सा सेट करेंगे 1/2, इसको तो पड़ा रहने दो ऐसे ही, और इसको अपन क्या करेंगे 1 -m+1/2 गामा, ये इसके अंदर अपन ने इसको बना दिया। अब अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है गामा एन गामा 1 -n=π/ क्या था साइन एन पाई, ये फॉर्मूला हम इसके अंदर हमारे फॉर्मूले में एन की जगह m+1/2 पुट करेंगे। ठीक है, एन ये वाली वैल्यू, ठीक है, एन की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमारे ये क्या बन जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि ये टर्म बन रही पूरी देख लो आप, है ना सेम, तो ये क्या आ जाएगा हमारे इसके अंदर π/sin(n)(m+1/2π), ये इसके अंदर हमारे बन जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, साइन π/2 + m π/2। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पाई एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये बाहर 1/2 अपने चले रहा था, आप इसको नहीं भूल जाएं पाई, और ये क्या बन गया आपके π/2, तो ये बन जाएगा, और ये नीचे क्या बन गया आपके 1 cos m π/2 यानी कि sec m π/2। इस तरीके से ये रिजल्ट निकलेगा, तो याद भी रख सकते हैं और आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो इसका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डिरिचलिट समाकल यानी डिरिचलिट्स इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम x^(l-1, y^(m-1), z^(n-1), dx/dy/dz = γ(l, γ(m), γ(n)/γ(l+m+n+1) के लिए आवश्यक है। हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन को बहुत ही ढंग से देख लें आप, x>n=0, y>n=0, z>n=0, x+y+z>1। बाकी के यानी पहला वाला ऑप्शन ही आपका करेक्ट है, बाकी के तीन ऑप्शन में कहीं ना कहीं कुछ चेंज कर दिया है, ये पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। और ये मैंने आपको जब ट्रिपल इंटीग्रेशन जब बताया तब मैं आपको ये पूरा डिरिचलिट्स इंटीग्रेशन करवा चुका हूँ। आपको मैं बताना चाहूँगा, ये देखिए इस बुक के अंदर ये डिरिचलिट्स समाकल तो पूरा दे रखा है, x, y और z तीनों > n=0 है और x+y+z> 1 है। तो आप थोड़ा सा इसको ठीक से याद रख लें, क्योंकि डायरेक्ट इस पर सवाल भी पूछे जाते हैं और ये आपके इसके अंदर डायरेक्ट थ्योरम भी पूछ सकते हैं।
तो इसके लिए आपका ये पहला वाला डिरिचलेट समाकल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, और इसलिए आपको इसको देखना चाहिए। पहला वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, फोलियम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax y इक्वल टू 0 की एक एसिम्प्टोट्स यानी अनंत स्पर्शी है। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास और चारों ही बिल्कुल देखो मिलते जुलते हैं। x प्लस वाई प्लस ए, बी वाला x माइनस वाई प्लस ए 0, और c वाला x माइनस वाई माइनस ए इक्वल टू 0, और d वाला x प्लस वाई माइनस ए इक्वल टू 0। तो ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आप चाहें तो इसकी जो वो निकाल भी सकते हो, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रख करके, वो भी एक तरीका है। और बाकी आप इसके अंदर याद रखें तो बेटर होगा। इसके जब मैं ट्रेस करवाया तब इसके अंदर मैंने आपको बताया था, देखिए ट्रेस द फोलियम, फोलियम का निरीक्षण कीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3xy। तो देखिए ये इस प्रकार से इसका है और ये इसके एसिम्प्टोट है, दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0। तो ये आपको मेरे हिसाब से याद ही रख लेना चाहिए, बेटर इसी के अंदर ही अपने को फायदा होगा। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका 8, वक्र y इक्वल टू लोग e पावर x माइनस 1 ओपन e पावर x प्लस 1 के चाप की लंबाई x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 तक है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, a लोग e प्लस 1 अपॉन e, b लोग e प्लस 1, c लोग e माइनस 1 अपॉन e, और d लोग e माइनस 1 आपके अंदर। इसलिए इसके अंदर पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आपको इसके अंदर करना क्या है, देखिए डायरेक्ट चाप की लंबाई इसने पूछी है। सबसे पहले तो आपको चाप की लंबाई का फॉर्मूला पता हो, वो होता है आर्क लेंथ एस इक्वल टू ए टू बी और 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर का रूट डी एक्स, यानी आपका जो कर्व है वाई इक्वल टू लोग ई पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई पावर एक्स प्लस 1, इसका आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। सबसे पहली गलती अपन ये करते हैं, इसके अंदर डायरेक्ट अपन इसका समाकल वो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, जो रॉन्ग है। वाई इक्वल टू इसको सबसे पहले आप लिख दें ई पावर एक्स माइनस 1 माइनस ई पावर एक्स प्लस 1। अब आप इसका अवकलन निकालें, इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखने के बजाय आप डी वाई वाई डी एक्स कर दें, टाइम बचेगा, एक एक सेकेंड काम का होता है। तो ये हो जाएगा ई पावर एक्स अपॉन ई पावर एक्स माइनस 1 ई पावर एक्स अपॉन ई पावर एक्स प्लस 1, ठीक है। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो नीचे तो हो जाएगा ई पावर 2x माइनस 1 और ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा 2e पावर x बन जाएगा। अब अपने को इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है तो ये पूरा रूट लेके घूमने की जरूरत नहीं है, आप इसी के अंदर डायरेक्ट इस एक तरह से आप इससे वाई डेज स्क्वायर निकाल लें। तो 1 प्लस वाई डेज स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा 4e पावर 2x अपॉन ई पावर 2x माइनस 1, ठीक है, होल स्क्वायर, और ये नीचे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर आप इसको सोल्व करोगे तो जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो जैसे ये आ रहा ऊपर एक तरह से ई पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4e पावर 2x और नीचे आपके e पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है जो है इसे। तो फाइनली ये आपके क्या बनेगा, डायरेक्ट e पावर 2x ऊपर प्लस बन जाएगा या प्लस 1 कर दो इसको, अपॉन नीचे e पावर 2x माइनस 1 बनेगा। और ये क्या बन जाएगा, आप ऊपर नीचे e पावर x के भाग लगाएं तो e पावर x प्लस e पावर माइनस x और e पावर माइनस x माइनस और माइनस x ये बन जाएगा। आप नीचे वाले को टीलेट कर लें, ठीक है ना, क्योंकि इसका होल स्क्वायर बनेगा, पूरा ध्यान रखना, ये जो पूरा इसका होल स्क्वायर बन रहा है पूरे का, तो होल स्क्वायर बनेगा। तो आप जैसे आप इसका रूट करोगे, ठीक है, तो ये खाली क्या बन जाएगा, e पावर x प्लस e पावर माइनस x अपॉन e पावर x माइनस e पावर माइनस x। अब आप नीचे वाले को टिलेट करेंगे और फिर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं, आराम से आप टिलेट करते ही इसको कर सकते हो, ठीक है, मैंने इंटीग्रेशन तक पहुंचा दिया आपको।
क्वेश्चन नंबर एट, वक्र P इक्वल टू एफ आर, इसको पेडल इक्वेशन कहते हैं, पदिक समीकरण, के चाप की लंबाई R1 से R2 के बीच होगी। चार ऑप्शन है और देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है और हमें सवाल करने के लिए फॉर्मूले तो सारे याद करने ही हैं, तो इसके अंदर केवल हल्का सा ऊपर नीचे कर रखा है, गालमेल कर रखा है। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर, एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर वन टू आर टू आर डी आर अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आपको पता होगा कि पी इक्वल टू आर साइन फाई होता है, ठीक है, और एक होता है साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई। तो ये चीज़ें इसके अंदर ध्यान रखनी अपने को, मैंने जब ये टॉपिक करवाया उसके अंदर मैंने इसको अच्छे तरीके से करवा रखा है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इसलिए इसको मैंने लिया है। तो पहला वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। फिर है क्वेश्चन नंबर, कार्डियोड आर इक्वल टू ए वन प्लस कोस थीटा का परिमाप है। आपको मालूम है कि ये जो कार्डियोड बनता है ये कार्डियोड इस तरीके से बनेगा, दोनों तरफ ध्यान रखना, प्लस वाला है तो ये इधर बनेगा, अगर ये माइनस वाला होता तो ये यूं का इधर इस तरह घूम जाता, ठीक है। अपने को इसकी पूरी लंबाई निकालनी है, ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, इसके अंदर आर्क लेंथ जो होती है वो आपके आर स्क्वायर प्लस डी आर, ध्यान रखना, बाय डी थीटा का होल स्क्वायर रूट, और ये डी थीटा हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या क्या चाहिए, ठीक है, तो हमारे पास इसमें एक तो इसमें डी आर बाई डी थीटा चाहिए, तो डी आर बाई डी थीटा तो देखो हो जाएगा इसका माइनस ए साइन थीटा, ठीक है, और ये वैल्यू आ गई। अब इसमें आर स्क्वायर प्लस डी आर निकालें तो डायरेक्ट अपन इसमें देख लेते वैल्यू, चलो तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर इंटू वन प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का रूट। मैं ये सब ये नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो अगर ध्यान से देखें तो ये ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर ये साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर तो बन जाएगा वन, और अंदर क्या बनेगा आपके टू इंटू वन प्लस कोस थीटा, ठीक है, रूट है जो है ये, तो ये इसको अपन और क्या कर सकते हैं, ये ए स्क्वायर और फोर कोस थीटा बाई टू बन जाएगा, तो फाइनली ये क्या बन गया 2a cos थीटा बाई टू, ठीक है। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है d थीटा में, लगा चलो बल लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये d थीटा, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं अपने को वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डबल करके और लिमिट जीरो से पाई कर देता हूँ, ये देखो ये यहाँ से जीरो से पाई हो गई, इधर और है तो सेम है इसलिए मैंने डबल कर दिया, बस इसका आपको इंटीग्रेशन करना, तो इससे आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 8a, ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपके इसके अंदर करेक्ट है। क्वेश्चन दिया है अगला वाला, एस्ट्रॉइड x इक्वल टू a cos क्यूब t y इक्वल टू a sin क्यूब t द्वारा x अक्ष के अबाउट परिक्रमण रिवॉल्विंग से जनरेट सॉलिड आकृति का वॉल्यूम क्या होगा। तो इसके अंदर b वाला ऑप्शन करेक्ट है, 32 बटा 105 पाई a क्यूब। अब ये हुआ कैसे, देखिए हमारे पास जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, तो डबल करेंगे इसको और इसलिए ये टू पाई कर देंगे इसको, टू पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, वैसे ये पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, तो इसके अंदर क्योंकि जो वास्तव में ये एस्ट्रॉइड है और एस्ट्रॉइड कैसा होता है आपको पता होगा, मैंने बता रखा ये वाला, ये होता है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, और ये भी ए, चारों ये जो ए ए लेंथ की होती है, ठीक है, और इसने इसका वॉल्यूम, तो ये कि तकुए जैसी आकृति बनेगी इस तरीके से खास तौर से, तो आप मतलब स्पाइंडल टाइप है ना इसको करेंगे तो ये स्पाइंडल शेप बनेगी तकुए जैसी, ऐसे घुमाएंगे तो ये टू पाई, और लिमिट यहाँ से यहाँ तक जो है कितनी हमारे ये अपन इसमें रखा है, तो ये हो जाएगा टू पाई और लिमिट हमारे जीरो से ए हो जाएगी, और ये वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब इसके अंदर अपने को करना क्या, खाली उसकी वैल्यू पुट करनी है वाई की, तो ये आपके हो जाएगा टू पाई लिमिट जीरो से ए, और वाई स्क्वायर यानी कि
ए स्क्वायर साइन 60 और वाई स्क्वायर की आपने ध्यान रखना, और डी एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस का 3a कोस स्क्वायर टी और साइन टी डी टी। ठीक है, अब ये थीटा यानी कि टीम बदल गया है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन इसको लिमिट टू के अंदर का चेंज कर लेते हैं, है ना, अपन इसको अपने जीरो से पाई बाई टू में कर लेते हैं इसको लिमिट को। तो ये टू ध्यान देना माइनस है तो ये माइनस आगे ले आवे, और ये थ्री का सिक्स हो जाएगा ध्यान देना, और ये क्या बन जाएगा ए ए स्क्वायर तो पाई ए क्यूब, और अंदर बन रहा है लिमिट और ये अपन रखें साइन 70 और ये कोस स्क्वायर टी डी टी बन जाएगा। इसके अंदर लिमिट इसके अंदर चेंज करेंगे तो ये क्योंकि पाई बाई टू से जीरो आएगी तो अपन इस जीरो से पाई बाई टू करके जो माइनस आ रहा था उसको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास क्या तरीका है, हम जानते हैं इसके अंदर इंटीग्रेशन के लिए कि हम वो वाला लगाएंगे फॉर्मूला, कौन सा वाला, जीरो टू ये पाई बाई टू है ना, तो पाई बाई टू और साइन एम थीटा कोस एन थीटा डी थीटा गामा एम प्लस वन अपॉन टू गामा एन प्लस वन अपॉन टू टू गामा एम प्लस एन प्लस टू अपॉन टू, ये इसके अंदर पुट करेंगे तो इससे हमारे जो आंसर आएगा वो 32/105 पाई ए क्यूब आ जाएगा। जो मोटी मोटी कैलकुलेशन है वो मैंने आपको बता दी, आपको इसको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कर्व और इसकी एसिम्प्टोट के बीच का एरिया पूछा है। कर्व आपके पास में ये एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए स्क्वायर टू ए माइनस एक्स है, तो कर्व को अगर ठीक से देखें कोई विशेष बात नहीं है, आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। ये कर्व जो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, और इसकी एसिम्प्टोट क्या हुआ, एसिम्प्टोट क्या हो गई, वाई स्क्वायर का गुणांक जीरो यानी कि एक्स इक्वल टू जीरो है ना, एक्स इक्वल टू जीरो इसकी एसिम्प्टोट, मतलब क्या हुआ वाई एक्सिस, ठीक है ना, वाई एक्सिस इसकी क्या हुई एसिम्प्टोट, हमें ये एरिया निकालना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, आप डायरेक्ट इसको क्या करें, आपको मालूम है कि ये एक्स इक्वल टू टू है, टू ए मैक्सिमम लेंथ है इसकी, ठीक है, साफ दिख रहा है एक्स इक्वल टू टू ए मैक्सिमम हो जाएगा इसके अंदर, ध्यान देना। ठीक है, हम इसके अंदर इसको डबल कर लेंगे तो जो एरिया बनेगा डबल करके, और जीरो टू टू ए अपन जानते हैं वाई डी एक्स, तो ये ए इक्वल टू टू, और मैं इसको चलो इसको ऐसे लिख दूं, और y की वैल्यू हो जाएगी इसके अंदर 2a 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स रूट डी एक्स। अब यहाँ हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर क्या करें, लेट x इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा, तो डी एक्स क्या हो जाएगा 4a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, और x इक्वल टू अगर इसके अंदर आप जीरो पुट करेंगे, ठीक है, इसमें तो थीटा जीरो आ जाएगा, और x इक्वल टू आप अगर 2a पुट करेंगे तो थीटा आपके पाई बाई टू आ जाएगा। ठीक है, बस देखिए हमारा काम 2a ये तो आकर के क्या बन जाएगा 4a, और लिमिट आपके जीरो से पाई बाई टू बन गई, और 2a माइनस एक्स यानी कि ये 2a माइनस हमने जो लिया है थीटा, और इसके नीचे हमारे क्या था 2a साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में dx को अपने को क्या लिखना था 4a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो अब देखो ये 4a और ये 4a तो पूरा आगे के आगे क्या बन गया 16a स्क्वायर लिमिट एज इट इज। अब इसके अंदर क्या बन रहा है, यहाँ बाप के देखो ये जो है साइन थीटा बन गया, तो इस साइन से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आपके क्या बन रहा है कोस स्क्वायर, तो खाली कोस बना,
तो ये एक तरह से क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा बन जाएगा फाइनली आपके पास में। तो अब इसके लिए आपको क्या करना, जीरो से पाई बाई टू कोस स्क्वायर। तो यहाँ तो आप भले कैसे भी करो इंटीग्रेशन इसका, भले गामा फंक्शन से करो, तो गामा से कर लेते चलो। तो ये गामा एम प्लस वन अपॉन टू गामा एन प्लस वन अपॉन टू टू गामा एम प्लस एन प्लस वन टू अपॉन टू। तो ये आपकी जो फाइनली आंसर आएगा वो आ जाएगा 4πa², ठीक है, जो आपका ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो ये इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मैंने इस टॉपिक के, इस बुक के जो मैंने मेन मेन क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, आप इन क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ें और इनका कॉन्सेप्ट समझने की करें कि कौन कौन से फॉर्मूले इसके अंदर मेन मेन काम आ रहे हैं। मैंने खास तौर से फॉर्मूले को कैसे अप्लाई किया जाता है वो बताने की कोशिश की है इन क्वेश्चंस के माध्यम से, ताकि आप एग्जाम में कम टाइम में इनको कर सको। तो ये आपका आज का वीडियो कंप्लीट हुआ, आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शायद दो क्वेश्चन ज़्यादा हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो आप अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, आप शेयर भी करें और CMPSC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका अपना चैनल है और आप ही ने इसको आगे बढ़ाया है और मुझे इस चैनल पर काम करने के लिए मोटिवेट आप ही ने किया है। मेरा टारगेट है कि मेरे आप सभी जो इस चैनल से जुड़े मेंबर हैं, आप सभी का सिलेक्शन हो और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। CMPSC जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। थैंक्स।